फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले यहाँ पर हमने दो कटोरी सूजी ली है, एस यू कैन सी, और यहाँ पर हमने एक कटोरी दही ली है। हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक से डेढ़ घंटा भिगो कर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बोल में मैंने दो कटोरी सूजी डाल दी है, ये आप देख सकते हैं। सूजी मैंने यहाँ बिल्कुल बारीक वाली ली है, अगर आप मोटी यूज़ करें तो थोड़े से पीस के यूज़ करें। यहाँ पर हमने इसमें दही थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको मिक्स करना है। आप ये ध्यान रखें, जब आप इसको कुक कर रहे हों या जब आप इसको बनाना चाह रहे हो तो आपके पास एक से डेढ़ घंटे का समय आराम से होना चाहिए, क्योंकि सूजी अपना टाइम लेती है थोड़ा सा अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है। मैं कह रही थी कि सूजी थोड़ा सा टाइम लेती है फूलने के लिए, सो आपको इसे थोड़ा सा तो टाइम देना ही होगा। अगर आपके पास सूजी भिगोई हुई है तो फिर तो नो, कोई टेंशन ही नहीं है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी कर इसका एक थिक डो बनाना है, या इतना पानी मिक्स करना है जिसमें सूजी बिल्कुल फ्लफी बने। ये देख सकते हैं आप, देखिए मैंने किस तरह से कितनी कंसिस्टेंसी पानी लिया हुआ होगा तब ये कंसिस्टेंसी। हमने यहाँ पर सूजी को एक घंटा रख करके अच्छे से फुला लिया है, या आप जो भी कहें, मिक्सचर को अच्छे से रख करके ये इस तरह का दिखेगा आपको 1 आवर के बाद। आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी पहले भी डाला था जब सूजी को हम मिक्स करना था, बट सूजी पूरा पानी पी चुकी है। एज़ यू ऑल नो कि सूजी बहुत ज़्यादा पानी पीती है, तो हमने अब इसको इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है। ये काफ़ी इजी रेसिपी है, ये ज़रूर पसंद आएगी आपके सभी मेंबर्स जिनको भी आप ये खिला रहे हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर कुछ वेजीज कट की हैं। मैं बता दूँ यहाँ पर आपको अनियंस ले लिए हैं, कैरेट्स ली हैं, कुछ कैप्सिकम ली है और कुछ पत्ता गोभी ली है, और कैप्सिकम में हिंदी बता दूँ तो शिमला मिर्च, गाजर और प्याज लिया है। तो अब हम आइए हमारी सभी वेजीज को मिक्स कर लें। कुछ वेजीज कट कर लिए हैं, ये पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है, अनियंस है, कैरेट वगैरह जो भी हैं ये देख सकते हैं आप। इनको अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे उत्पम को, और चलिए सर हमने अब हमारे बैटर में थोड़ा सा नमक ऐड किया है जिससे कि ये फीका ना लगे, ये देख सकते हैं आप। मिक्स कर लेंगे और चाहिए चलिए कुक कर लेते हैं। हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा डाला है ऑयल, इसमें डाल रहे हैं हमारा सूजी का जो हमने बैटर बनाया था वो। ये बिल्कुल बाहर जैसे हम बाजार में लेते हैं वैसे ही बनता है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, कभी भी बना के ट्राई कर सकते हैं इसको। इसको हमने फैला लिया है अच्छे से, और इसमें थोड़ी सी कैरेट, अनियंस, यहाँ पर हमने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं।
और यहाँ डाला शिमला मिर्च, और थोड़ी सी पत्ता गोभी। इसे थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं जिससे कि सब्जियां सारी सूजी के डो में से चिपक जाएं। और यहाँ हमने गैस की फ्लेम को स्लो ही रखा है, इफ़ यू कैन सी। अब हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा नमक। दैट्स ऑल। आप इसे ढक दें और 1 से 2 मिनट के बाद चेक कर लें। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको ओपन करेंगे। हमने यहाँ पर सब्जियों में नमक मिर्च नहीं डाला था, इसलिए हमने ऊपर से नमक मिर्च डाल दिया है। और अब हम इसको एक फ्लिप देंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है। ये देखें, हमने इसको फ्लिप कर दिया और सब्जियों वाली साइड नीचे है, इसलिए हमने गैस को तेज कर दिया है जिससे कि सब्जियां पक जाएं अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छे से फ्लिप हुआ है और कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे और फिर से कुक करेंगे। तो दोबारा से फ्लिप कर लिया है। वीडियो मैंने बनाया था बट वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और सिकना देंगे, क्योंकि रेड रेड अभी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। और थोड़ा सा सेकेंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे विद सॉस, चटनी, व्हाटएवर यू वांट टू ईट विद दिस। सो लेट्स। हमारा उपमा उत्पम बिल्कुल बनकर रेडी है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ट्राई करो इसको और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा। और आज का चैलेंज डे रूटीन जो मैंने आज चैलेंज की रेसिपी में सिखाया, वो कैसी रही आपके लिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो इस रेसिपी को लेकर तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताना या कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहो सुहानी पूरी। बाय बाय बाय, थैंक यू।